हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम ये फ्लावर बनाना सीखेंगे। इसे बनाने के लिए वाइट ऊल, येलो कलर का ऊल, क्रोशिया और ये एक मोती चाहिए। सबसे पहले हम ऐसे फिंगर में ये सर्कल बनाएंगे, उसके बाद इसको ऐसे सर्कल को गोल कर लेंगे, इसके अंदर इसको डालेंगे और इस तरह से एक ऐसा बना लेंगे, इसको बांध लेंगे। अब इसमें एक चैन ले लेते हैं, दो चैन ले लेते हैं, उसके बाद इसको फंदा को ऐसे ही रखेंगे, डबल क्रोशिया इसके अंदर डालेंगे, 5, 1, 2, 3, 4, 5, फिर ये सबको एक साथ पकड़ के इस तरह से बंद कर देंगे। देखिए, फिर हम यहाँ पे लेंगे 3 चैन, 1, 2, 3, फिर से इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, फिर इसको सबको पकड़ के एक साथ ऐसे कर देंगे, बंद कर देंगे। देखिए, फिर से लेंगे 3 चैन, 1, 2, 3, फिर से सेम पहले जैसा ही बनाएंगे इसको, 1, 2, 3, 4, 5, एक साथ इसको बंद कर देंगे। देखिए, अब ये हमारा 1, 2, 3 बन गया है, ये 6 बनाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसी तरह से और 3 हम इसमें बना लेते हैं। 3 चैन लेंगे, 1, 2, 3, फिर से 1, 2, 3, 4, 5, ये 4 हो गया, 2 और बना लेते हैं। देखिए, हमारा ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 बन गया। फिर से लास्ट में हम 3 चैन लेंगे, 1, 2, 3, 3 चैन लेंगे। अब इसको, इस धागा को, ऊल को पकड़ के खींच के इसको फिट कर देंगे। देखिए, ये पूरा अंदर फिट हो गया। अब इसको इसके साथ सिंगल क्रोशिया, मतलब बिना फंदे का, इसको ऐसे बुन लेंगे। फिर 3 चैन लेंगे, 1, 2, 3, फिर इसके अंदर ही डालेंगे डबल क्रोशिया। अब इसमें ये वाले में चैन में 5 बुनेंगे डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, 4, 5, फिर ये वाले में इसका, देखिए, इसमें डालेंगे, और इसको भी इसी तरह से बनाएंगे डबल क्रोशिया। देखिए, फिर इसमें डालेंगे हम 5 डबल क्रोशिया, 1, 2,
थ्री फोर फाइव, फिर एक इसके ऊपर, इसके ऊपर देखिए हो गया सिक्स। देखिए इसी तरह से हम ये पूरा सर्कल बुनेंगे, फिर से इसमें डालेंगे फाइव वन टू थ्री फोर फाइव, फिर इसमें देखिए इस तरह से हम ऐसे ये पूरा यहाँ पर भी बुन लेते हैं। देखिए यहाँ लास्ट में वन टू थ्री फोर फाइव, फिर लास्ट वाला इसके अंदर, अब ये हो गया हमारा। इसमें डालेंगे इस तरह से बंद करके, इस ऊल को कट कर लेंगे। हो गया, ये अंदर धागा बाद में हम पीछे खींच लेते हैं। अब इसमें येलो कलर से ऊपर बनाएंगे, इसके ऊपर। अब फ्रेंड्स इसका ये वाला बॉर्डर इसमें बनाएंगे। इसे बनाने के लिए येलो कलर का ऊल इसमें बांध लिए। अब सिंगल क्रोशिया करके एक यहाँ पे ऐसे बांध लिए। अब एक चैन लेके फिट कर लिए, फिर यहाँ से ऐसे वन टू थ्री फोर, फिर से सबको एक साथ खींच लेंगे, इसको बंद कर देंगे, फिर एक चैन लेके इसको फिट कर लेंगे, फिर यहाँ पे डालेंगे दो दो के बाद, फिर इस तरह से इसको भी फिट किए, फिर से एक चैन लेके इसको फिट किए। अब फिर से इसमें इसको यहाँ पे ऐसे डालेंगे, इस तरह से खींचेंगे वन टू थ्री फोर, फिर से इसको फिट कर देंगे। देखिए ऐसे, अब इसको फिर से यहाँ पे डालेंगे दो के बाद, और सिंगल क्रोशिया से ऐसे फिट कर देंगे, एक चैन लेके टाइट कर लेंगे इसको, फिर से यहाँ पे इसके अंदर, ये वाले के अंदर, इसके अंदर डालेंगे, फिर से इसी तरह वन टू थ्री फोर, एक साथ बंद कर देंगे सबको, फिर इसको यहाँ पे डालेंगे दो के बाद, बंद कर देंगे सिंगल क्रोशिया से, एक चैन लेके फिट कर देंगे, फिर से इसके अंदर डालेंगे, फिर से वन टू थ्री फोर, एक साथ बंद कर देंगे दो के बाद, वन टू के बाद फिर से इसमें डालेंगे, एक चैन लेके इसको फिट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा बॉर्डर इस तरह से बनते जा रहा है, ऐसे ही हम ये पूरा बना लेंगे। देखिए हमारा ऐसे ये बनते जा रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है ये।
फिर से वन चैन लेके फिट कर देंगे, एक ऐसे लंबा थोड़ा खींचेंगे, फिर इसके अंदर वन टू थ्री फोर, फिर से सबको एक साथ बंद कर देंगे। इसको इसके अंदर डालेंगे, फिट कर देंगे, वन चैन लेके फिट करेंगे इसको। देखिए फ्रेंड्स, फिर से इसके अंदर वन टू थ्री फोर, फिर से दो के बाद यहाँ पे सिंगल क्रोशिया ऐसे बनाकर फिट कर देंगे। देखिए ये लास्ट में भी वैसे ही करेंगे, इसके अंदर वन टू थ्री फोर, फिर इसके अंदर डालेंगे देखिए। धागे को पीछे खींच लेंगे, ऊल को देखिए फ्रेंड्स, देखिए कितना सुंदर बन गया ये। अब इसमें यहाँ पे मोती लगा लेते हैं। इसे लगा लेंगे, देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर ये हमारा बन गया। देखिए देखिए ये हमारा बनकर तैयार हो गया है। फ्रेंड्स आपको ये टिकिया या फ्लावर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलते हैं दूसरे वीडियो में। Thank you.